लुका 22 उसकी 7 से लेके 38 आयत। अब यहां लिखा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसे का मेमना बलि करना जरूरी था। अब आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। जीसस क्राइस्ट पुराने नियम में जी रहे थे और सारे पर्वों को वो मानते थे। यरूशलम में गए, पर्व में गए, अब वही दिन आए। कौन से दिन? जो खुदा ने मूसा को बोला था अखमीरी रोटी के पर्व को माना करना और इसी तरह से मेमने को खाया करना। अब परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेमना फसह का जो था बलिदान करना जरूरी था क्योंकि मूसा का हुक्म था। यीशु ने पत्रस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु मसीह ने कहा जाकर तैयारी करो। चेलों ने कहा कहां तू चाहता है हम तैयार करें? 10 में लिखा, नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, उसके स्वामी से कहना गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहां है जहां मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। जीसस ने कहा तैयारी करो। उसने कहा प्रभु कहां करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, ये फलाने फलाने नगर में जाओ और जब तुम नगर में जा रहे होगे एक मनुष्य, एक जेंट्स, एक भाई तुम्हें पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। और ये कॉमन नहीं था क्योंकि जो घड़ा उठाने का काम था, जो पानी लेके आने का काम था, वो औरतें करती थी, बंदे नहीं। अब अगर मूसा की पत्नी देख लो, पानी पिलाने का काम वो लड़कियां करती थी और उसके बाद बहुत से ऐसे काम हैं जो लड़कियां करती थी, खासकर जो घड़ा लेके जो सामरी औरत का आप देखते हैं तो वो पानी भरने के लिए आई थी। पानी का जो घड़ा था वो मोस्टली औरतें लेके जाती थी। तो परमेश्वर ने एक निशानी दी थी कि फलाने शहर में जाओ और तुम्हें एक बंदा मिलेगा, जेंट्स मिलेगा पानी का घड़ा उठाए, क्योंकि औरतें तो बहुत होंगी। अगर मैं आपको भेजूंगी फलाने पिंड में जाओ, गांव में जाओ और वहां एक एक लेडी पोछा लगा रही होगी तो आप बोलोगे वहां तो हो सकता है 10 औरतें पोछा लगा रही हो सुबह 10 बजे घर का। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बंदा हट्टा कट्टा पोछा लगा रहा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये प्रोफेटिक है, कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। जब वो गए तो बंदा मिला, घड़ा उठाए, उसने कहा कि अपने स्वामी के पास लेके जाओ और वो लेके गया। वहां पे सब कुछ तैयार था। परमेश्वर वहां पे आए, उस प्रभु भोज को परमेश्वर ने लिया और हुआ क्या लिखा, जब वो भोजन करने के लिए बैठा, हम ये वचन सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। अब परमेश्वर जानते थे कि अब उन्होंने स्वर्ग में जाना है और इन चेलों ने काम करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोले तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। जब आपका हार्ट परमेश्वर के लिए ओपन हुआ, परमेश्वर ने आपको अपने साथ खाने के लिए जिस तरह प्रेरितों को बिठाया आपको बिठाया, फिर आपको यह समझ होनी चाहिए कि वो गहरे भेदों को आपकी लाइफ पर जाहिर करेगा जैसे ही आप इस रीति से प्रभु भोज को लेना शुरू करेंगे। गहरे भेद भी आपकी लाइफ में प्रकट होंगे। कौन से गहरे भेद? एक ऐसी बात जो आपके मुंह से निकलेगी और आपके बेटे को छू लेगी जो नशे में है और वो छोड़ देगा, वो भेद की बात है, आपके मुंह से कभी नहीं निकली। एक ऐसा बिजनेस जो आपने कभी स्टार्ट करने के लिए नहीं सोचा, ये भेद की बात है, इसमें छुटकारा है लेकिन आपको कभी याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक आप प्रभु के साथ बैठे नहीं। कौन बैठता है, कौन बिठाता है? जब मैं आपको खाने के, मैं बोलता हूं खाने में बैठेंगे तो ये ऑनर है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जब डिस्कशंस करते हैं, सीक्रेट डिस्कशन, तो खाने के टेबल के ऊपर वो करते हैं, लंच और डिनर के टेबल के ऊपर करते हैं। जब परमेश्वर वो खाने में बुलाता है तो परमेश्वर आपको कुछ सीक्रेट रेमा वचन, कुछ भेद, कुछ ऐसे आपको वचन देना चाहता है जो आपके और आपके परिवार के छुटकारे के कारण होंगे। आमेन।